को करना जी। क्या करूं? ये फोटो ले ले यार थोड़ा सा। अच्छा झांसी की इस ऐतिहासिक जमीन पर रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की इस ऐतिहासिक भूमि पर और उस किले के साये में उसकी छाया में खड़े होकर के आपसे बात करने का सौभाग्य मिला है, मौका मिल रहा है। मैं यहाँ उपस्थित एक व्यक्ति को सलाम करता हूँ। आप इतनी धूप में भी यहाँ बैठे हैं, इधर जो लोग धूप में भी बैठे हैं, कुछ लोग धूप की वजह से कुर्सियाँ छोड़ के इधर बैठ गए हैं। मैं इस तपती दोपहरी में आपकी मौजूदगी को सलाम करता हूँ। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। आप सारे लोग इस तपती दोपहरी में बैठे हैं, मैं आपकी मौजूदगी को सलाम करता हूँ। बहुत दिन से इस इंतजार में था कि झांसी की ऐतिहासिक भूमि तक आऊंगा। इतनी उम्र में 33 साल की उम्र में ऊपर वाले ने पूरी दुनिया का सफर करवाया, लेकिन झांसी आना अभी बाकी रह गया था। तो जब मुझे 2 दिन पहले हमारे राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नरवाल जी ने इस यात्रा से संबंधित, आदित्य जैन जी ने जब इस यात्रा से संबंधित मुझसे निवेदन किया, मुझसे कहा कि आपको झांसी आना है, मुझे किसी और कार्यक्रम में रहना था, मुझे और जो यात्राओं के समापन है दूसरे जोन के वहां रहना था, लेकिन मैंने ये सोचा कि झांसी आने का ये सबसे बड़ा शानदार और खूबसूरत मौका है, तो मुझे आना चाहिए। मैं आपके बीच में हाजिर हूँ। कांग्रेस पार्टी की जो ये यात्रा है, ये जो सफर है, ये जो प्रतिज्ञा यात्रा है, महज एक यात्रा नहीं है। हमें इस बात को समझना पड़ेगा। अभी 2-3 दिन पहले आपके बीच में प्रियंका गांधी जी आकर के गई हैं, वो इसी किले के दर्शन करके गई हैं, यहाँ की मिट्टी को उन्होंने आत्मसात किया है। मैं जब सोचता हूँ कि एक वक्त था जब फिरंगियों से लड़ने की बारी थी, तो इसी झांसी की सरजमीन से कोई रानी लक्ष्मीबाई उठी और उनकी तलवार की टंकार ने पूरी दुनिया को बताया कि फिरंगियों को कैसे भगाया जाता है। और आज इस समय में जब भारत की जनता पर अत्याचार करने वाले ये जो नए शासक हैं, जिनको मैं अंग्रेजों से कम नहीं मानता हूं, उनसे लड़ने की बारी आई है, तो एक बार फिर इसी मिट्टी से आशीर्वाद लिया है इस दौर की रानी लक्ष्मीबाई प्रियंका गांधी जी ने। बताया है कि शुरुआत हो चुकी है, इस लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ मीडिया के साथ ही खड़े हैं, मैं यहाँ भाषण देने के लिए खड़ा हूँ, और आज ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम एक झटके में 266 रुपए बढ़ाया। कितना बढ़ाया? 266 रुपए। वो कॉमर्शियल सिलेंडर जिससे आप होटल में या फिर पकौड़ा तलने और होटलों में चाउमीन बनाने या होटलों में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो 2000 रुपए का एक गैस सिलेंडर कर दिया है। ये दिवाली का तोहफा दिया है मोदी जी ने इस देश को। ऐसे दिन में मैं यहाँ खड़ा होकर के आपसे बातचीत करने आया हूँ, आपसे मुखातिब होने वाले आया हूँ। आप बहुत देर से यहाँ बैठे हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, मंच पे बहुत बड़ी बड़ी विभूतियां बैठी हैं, मैं सबका बारी बारी नाम लूंगा तो बहुत समय लगेगा, उनका नाम बार बार लिया जा चुका है, मैं बैठ करके सबको सुन रहा था, मैं सिर्फ सम्मानित मंच कहूंगा। जो सम्मानित मंच पर हमारे बड़े बैठे हैं, मैं उनके बीच में यहाँ खड़ा होकर के आपसे ये कह रहा हूं कि जो सफर अख्तियार करते हैं, जो ये सोचते थे इस यात्रा से क्या होगा, एक यात्रा जो शुरू की कांग्रेस पार्टी ने, हमें पता है हम बंजर जमीनों में बीज बोने का काम कर रहे हैं, हमें पता है कि जिस बुंदेलखंड में कांग्रेस संगठनात्मक तौर पे बहुत कमजोर रही है, एक वक्त रहा है कि इसी झांसी ने एक सांसद दिया कांग्रेस पार्टी को प्रदीप जैन आदित्य जी के रूप में, और कांग्रेस पार्टी का भी ये बड़प्पन रहा है कि आपने अपने आदमी को जब सांसद बना के भेजा तो आपके बेटे को केंद्रीय मंत्री बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस पार्टी आपसे, आपके इस इलाके से, आपके इस बुंदेलखंड से हमेशा बड़ा प्यार करती रही है, उसने उपेक्षित नहीं किया, लेकिन आप जानते हैं कि पिछले 32 साल से उत्तर प्रदेश में हम सत्ता में नहीं है, कांग्रेस सत्ता में नहीं है,
लेकिन आपको इस बात पे सुकून होना चाहिए कि प्रियंका गांधी जी जब उत्तर प्रदेश की प्रभारी बन के आई तो जब उनको यह खबर लगी कि खाद की लाइन में लग करके बुंदेलखंड के किसान खुदकुशी कर रहे हैं, अपनी जान दे रहे हैं, तो प्रियंका जी ने एक दिन लखनऊ से ट्रेन पकड़ी और सीधे ललितपुर पहुंची और उन परिवारों के बीच में जाकर के उनके आंसू पोंछने का काम किया। मुझे बताइए कि कभी आपके बीच में आया कोई दूसरा नेता, कोई भाजपा का नेता आया आपके बीच में आंसू पोंछने के लिए? कभी आए कोई समाजवादी पार्टी के नेता आपके बीच में आंसू पोंछने के लिए? कभी आया कोई बहुजन समाज पार्टी का नेता आपके बीच में आंसू पोंछने के लिए? वो आपसे वोट मांगने आएंगे, आपके जज्बात भड़काने के लिए आएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी जब भी आपके बीच में आएगी तो आंसू पोंछने के लिए आएगी। प्रियंका गांधी जी आपके बीच में आंसू पोंछने के लिए आई और आज प्रियंका गांधी जी के सिपाही, कांग्रेस पार्टी के सिपाही, राहुल गांधी जी के सिपाही निकले हैं यात्रा लेकर के और आज उस यात्रा का समापन है। तमाम लोग जब यात्रा की शुरुआत हो रही थी तो ये कह रहे थे कि इस यात्रा से क्या फायदा मिलेगा, हम क्यों यात्रा कर रहे हैं, हम क्यों अपनी ऊर्जा समाप्त कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तब मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जो सफर अख्तियार करते हैं, सफर उर्दू में और हिंदी में उसी को यात्रा कहते हैं, जो सफर अख्तियार करते हैं वो ही मंजिल को पार करते हैं, जो सफर अख्तियार करते हैं वो ही मंजिल को पार करते हैं। और कांग्रेस के बुंदेलखंड के तमाम पदाधिकारियों, मेरे साथियों, ये मायूस होने का वक्त नहीं है, ये हिम्मत हारने का वक्त नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत और एक नई ताकत और एक ऊर्जा के साथ उठने का वक्त है, क्योंकि अब कांग्रेस का दिन आने जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव में कांग्रेस को नजरअंदाज करके उत्तर प्रदेश कोई सरकार सोच नहीं सकता है। तब मैं यहां खड़ा होकर के कह रहा हूं कि जो सफर अख्तियार करते हैं वो ही मंजिल पार करते हैं, और चल के तो देखिए मुसाफिर का, चल के तो देखिए मुसाफिर का, रास्ते इंतजार करते हैं, जो सफर अख्तियार करते हैं वो ही मंजिल को पार करते हैं। झांसी वालों, मुझे खुशी हो रही है कि बड़ी तादाद में यहाँ मेरी माएं बहनें बैठी हैं। मुझे अच्छा लग रहा है कि तमाम बुजुर्ग और तमाम मेरे चाचा की उम्र के, मेरे काका की उम्र के, मेरे दादा की उम्र के ऐसे बुजुर्ग और ऐसे हमारे हमारे काका दादा यहाँ बैठे हुए हैं, जिनको देख करके मुझे अच्छा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के पास जो भी कार्यकर्ता है, जो भी पदाधिकारी है, वो कितना कांग्रेस के झंडे के प्रति समर्पित लोग हैं। आदरणीय प्रियंका जी को आप सारे लोग जानते हैं। मैं कल गोरखपुर था, मैं पिछले कई दिनों से लगातार कार्यक्रम में रहा हूँ, झारखंड था, फिर बिहार था, उसके बाद महाराष्ट्र, तेलंगाना और उसके बाद फिर गोरखपुर का कार्यक्रम। आदित्य जैन जी इस बात को जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी लगातार किस तरह से हर जोन में यात्राएं लेकर के निकल रही है ताकि आपकी मुद्दों की लड़ाई लड़ी जा सके। आप सारे लोगों ने यहाँ, कई हमारी माए बहने, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, जो हो सकता है जिन्होंने प्रियंका जी को रूबरू कम देखा हो, लेकिन आप सारे लोगों ने, तमाम बुजुर्गों ने इंदिरा गांधी जी को देखा है, अपनी आंखों के सामने देखा है। और आज जब प्रियंका गांधी जी को हम सारे लोग देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे सामने प्रियंका गांधी जी नहीं, साक्षात इंदिरा गांधी जी खड़ी है। इंदिरा गांधी जी की एक झलक है उनके अंदर, इंदिरा गांधी जी की एक ललक है उनके अंदर, और प्रियंका जी के अंदर जो जुनून है वो हमें बताता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार से अगर कोई लड़ सकता है, मौजूदा सरकार की तानाशाही से अगर कोई लड़ सकता है, तो वो अखिलेश यादव जी नहीं लड़ सकते, मायावती जी नहीं लड़ सकती, क्योंकि उन्हें तो बस अपने एसी कमरे में बैठ करके ट्वीट ट्वीट खेलना है, फेसबुक पे पोस्ट करना है, उससे ज्यादा नहीं। कोई लड़ सकता है तो सिर्फ प्रियंका गांधी लड़ सकती है, क्योंकि हमने देखा है, हमने देखा है जब हाथरस में एक दलित बिटिया के साथ बलात्कार हुआ और रात के 2 बजे जब उसकी लाश को बिना उसके घर वालों की मर्जी के पुलिस प्रशासन ने, डीएम ने कर...
हुआ, देश ने देखा कि आदरणीय प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी जब दिल्ली से हाथरस जाने के लिए निकले तो मैं उस काफिले में शामिल था, राकेश सचान जी उस काफिले में शामिल थे। मुझे याद है कि नोएडा के पास जहां से एक्सप्रेस वे शुरू होता है वहां से हमारे वाहनों को रोक लिया गया, पुलिस लगा करके ये कहा गया कि आप आगे नहीं जा सकते, आपकी गाड़ियां आगे नहीं जा सकती। मुझे याद है उस दिन 44 डिग्री टेम्परेचर था, तपती हुई दोपहर थी। प्रियंका गांधी जी ने कहा कि ठीक है, अगर योगी आदित्यनाथ को यह लगता है कि हमारी गाड़ियां नहीं जा सकती और गाड़ियां नहीं जा सकती इसलिए प्रियंका गांधी और राहुल गांधी रुक जाएंगे तो उन्हें धोखा है, वो मुगालते में है, हम पैदल जाएंगे। मुझे याद है मैं उनके साथ पैदल चल रहा था, प्रियंका गांधी जी तकरीबन 17-18 किलोमीटर तपती दोपहर में पैदल चलती हुई आगे बढ़ रही थी। जला दिया गया था क्योंकि समाज की एक सोच बनी है कि दलित हो, अल्पसंख्यक हो, पिछड़ा हो, गरीब हो, गुरबा हो, उसे तो जब चाहे जला दो, उसे तो जब चाहे मार दो, उसका तो जब चाहे शोषण कर लो, लेकिन कौन इस सबके खिलाफ खड़ा है? प्रियंका गांधी जी खड़ी है। वो उतनी दूर चलने के बाद जब प्रियंका जी को, राहुल जी को गिरफ्तार कर लिया गया, मैं उस समय मौजूद था, गिरफ्तार करके उन्हें डिटेन करके ले जाके गेस्ट हाउस में रख दिया गया। अगली सुबह फिर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी तैयार हुए और उन्होंने कहा नहीं योगी आदित्यनाथ जी, आप हमें रोक नहीं पाएंगे, हम जाकर रहेंगे। और पूरे देश ने वो मंजर देखा कि किस तरह राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी जब हाथरस पहुंचे हैं तो अपने सीने से लगाया उस परिवार को, उस बिटिया के पिता को, उस दलित परिवार को अपने सीने से लगा के कहा कि अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार आपकी बेटी को जला रही है तो मैं आपके आंसू चुनने के लिए आई हूं, मैं आपकी पीड़ा चुनने के लिए आया हूं। मैं प्रियंका गांधी की इन बातों का गवाह रहा हूं, मैं गवाह रहा हूं कि जब सीएनआरसी के नाम पर यहां अकलियत के तमाम लोग बैठे हैं, जब उत्तर प्रदेश में पुलिस की गोलियों ने 23 नौजवानों को शहीद कर दिया था तो कोई अखिलेश यादव अपने घर से नहीं निकले, कोई मायावती जी अपने घर से नहीं निकले। मुझे याद है मेरठ हो, बिजनौर हो, मुजफ्फरनगर हो, सबसे पहले अगर कोई निकला तो सिर्फ प्रियंका गांधी निकली, सिर्फ राहुल गांधी निकले और गए और उन परिवारों के आंसू पोंछ करके उनकी माओं को अपने सीने से लगा करके कहा कि प्रियंका आपके साथ खड़ी है, राहुल आपके साथ खड़ा है, मैं बहुत ऐतिहासिक सरजमीन पे खड़ा हूं। पूरे उत्तर प्रदेश में नफरतों की बुनियाद पर बंटवारा करने की साजिश की जा रही है। ये वो सरजमीन है कि जहां जब रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी, जब रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों ने घेर लिया, तो आप सारे लोग इस बात के गवाह हैं कि ये मिट्टी वो मिट्टी है कि जिस मिट्टी ने दोस्त मोहम्मद खान को लड़ते हुए देखा है रानी लक्ष्मीबाई के साथ। आपने देखा है कि खुदा बख्श बसारत अली किस तरह से आदरणीया उस समय की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के साथ लड़ रहे थे। ये जो लोग नफरतों की बात करते हैं, जो हिंदू मुसलमानों का बंटवारा करना चाहते हैं, उन्हें बताओ कि जब वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी फिरंगियों से, उस समय सरदार गुल मोहम्मद खान लड़ रहा था उनके साथ, वो उनका अंगरक्षक था, उनके साथ पेश पेश था और उनसे कहता था कि रानी साहिबा आपकी जान जाने से पहले न जाने कितनी तलवारों को हमारे सीने से टकराना पड़ेगा। ऐसे देश में, ऐसे उत्तर प्रदेश में नफरतों की बुनियाद पर जो बंटवारा करना चाहते हैं आपको उन्हें बताना पड़ेगा। इससे पहले आपने पिछले 30 साल में कभी समाजवादी को वोट दिया, कभी बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया, कभी भाजपा को वोट दिया, लेकिन आज मैं यहाँ आपके बीच में एक बात कहने आया हूँ कि आज से 7 साल पहले जब आप भाजपा को चुन रहे थे तो उनका नारा क्या था? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, ये नारा था। ये बड़े बड़े पोस्टर लगे थे नरेंद्र मोदी जी के, आप सारे लोगों को याद है, और आप उस झांसे में आ भी गए थे। मैं झांसी में खड़ा हूं और आप उस झांसे में आ भी गए थे। झांसी और झांसे का बड़ा गहरा रिश्ता है। आपको यह समझने की जरूरत है कि आप नरेंद्र मोदी जी के उस झूठ में आ गए थे। तब गैस सिलेंडर कितने का था? 365 रुपए का। मुझे आज भी वो दिन याद है। तब पेट्रोल कितने का था? 60 रुपए लीटर था। तब डीजल कितने का था? 50 रुपए लीटर था। आज वही गैस सिलेंडर कितने का है? 1000 का है। 1000 का आज पेट्रोल कितने रुपए लीटर है? कहीं कहीं तो 115 रुपए लीटर है, कहीं 110 रुपए लीटर है, कहीं 105 रुपए लीटर है। डीजल भी 100 रुपए के आसपास पहुंच गया। आप मेरी माएं बहने बैठी हैं, आपको पता है जब आप रसोई गैस में गैस सिलेंडर का जो रेगुलेटर ऑन करती हैं तो ऐसा लगता है कि बर्नर में गैस नहीं जल रही है, आपका खून पसीना जल रहा है, आपकी कमाई जल रही है। आप जब घर में सब्जी
आती है जिसको कड़वा तेल बोला जाता है। मुझे याद है 2014 के आसपास वो कड़वा तेल कितने का था, 60 रुपए 70 रुपए लीटर। आज कितने का है, 200 रुपया पार कर गया। ये महंगाई नहीं तो और क्या है नरेंद्र मोदी जी, मुझे बताइए। अगर ये महंगाई नहीं तो क्या है, सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, खाद आप लोगों को मिल नहीं रही है। जान लेना आसान है लेकिन खाद पाना आसान नहीं है इस बुंदेलखंड में। ऐसे में योगी जी बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश में ये कर दिया वो कर दिया, नरेंद्र मोदी जी बड़े बड़े भाषण देते हैं कि हमने ये कर दिया हमने वो कर दिया। मेरे भाई, मैं इन तमाम राजनेताओं की बुराई करने नहीं आया हूं, बल्कि आपसे ये कहने आया हूं कि प्रियंका गांधी जी आपसे प्रतिज्ञा कर रही है, वादा नहीं कर रही है, आश्वासन नहीं दे रही है, प्रतिज्ञा कर रही है। प्रतिज्ञा करना क्या होता है, कसम खाना, कसम खाना। हम प्रतिज्ञा करते हैं, प्रियंका गांधी जी आपसे प्रतिज्ञा कर रही है। इस यात्रा का नाम प्रतिज्ञा यात्रा है और प्रतिज्ञा में क्या कह रही है कि 40% टिकट महिलाओं को देंगे। परिवारों में जहां आपको ये पुरुष सत्ता वाला समाज है, जहां महिलाओं को सही से बैठने का स्थान नहीं मिलता, वहां एक अकेली आज के दौर की रानी लक्ष्मीबाई खड़ी होकर के कह रही है कि हम 40% टिकट महिलाओं को देंगे अपनी पार्टी में। ये कोई आसान वादा नहीं है, ये बहुत बड़ा वादा है। और मेरी माओ बहनों, ये आज के उत्थान का वादा है। आज के लिए प्रियंका गांधी लड़ रही है तो आपको भी प्रियंका गांधी के लिए लड़ना पड़ेगा। वो कह रही है इंटर पास कर लेगी बच्ची तो हम कौन सा फोन देंगे, स्मार्टफोन। गांव की औरतों को बताइए कि स्मार्टफोन का मतलब टच वाला फोन, तो ज्यादा कनेक्ट होता है। टच फोन मिलेगा हर उस बिटिया को जो इंटर पास कर लेगी। और क्या कह रही है, जो ग्रेजुएशन मतलब जो बीए तक पढ़ लेगी जो बिटिया, उसको स्कूटी मिलेगी। समझ रही है ना, 60-70 हजार रुपए की स्कूटी है इस समय। प्रियंका गांधी कह रही है एक एक बेटी को वो स्कूटी दूंगी जो ग्रेजुएशन कर लेगी। और ये भी कह रही है कि पेट्रोल वाली स्कूटी नहीं दूंगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी हो सकता है तब तक पेट्रोल का दाम 200 रुपया लीटर कर चुके हो, क्योंकि कर ही रहे हैं। आज मैं कार्टून देख रहा था कि एक पति अपनी पत्नी को मोटरसाइकिल पे बैठा के कहीं निकला है, तो पत्नी अपने पति से कह रही है तेज चलाइए, जल्दी चलिए, अगले वाले पेट्रोल पंप पे पहुंचिए, पेट्रोल ले लीजिए, वरना हो सकता है 1 रुपया लीटर महंगा हो जाए इतनी देर में। यह स्थिति हो गई है। ऐसे में प्रियंका जी क्या कह रही है, हम स्कूटी देंगे, इलेक्ट्रॉनिक वाली स्कूटी देंगे, पेट्रोल वाली नहीं देंगे। आप अपने घर पे चार्ज करेंगी और 200 किलोमीटर सिर्फ चार्ज करने पे चलेगी। ये कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है मेरी माओ बहनों, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। गांव गांव जाइए और लोगों को बताइए कि प्रियंका गांधी जी ने ये वादा किया। और बहुत सारे लोगों को प्रियंका गांधी जी कह के नहीं, बल्कि ये बताइए कि इंदिरा गांधी जी की पोती ने ये वादा किया है, उसका वादा कभी झूठा नहीं हो सकता है। राजीव गांधी की बिटिया ने ये वादा किया है, उसका वादा कभी झूठा नहीं हो सकता है। राहुल गांधी की बहन ने ये वादा किया है, उसका वादा कभी झूठा नहीं हो सकता है। ये प्रियंका गांधी जी की प्रतिज्ञा है, आपको समझना पड़ेगा इस बात को। मैं आपके बीच में बहुत दूर का सफर तय करके आया हूँ। यहाँ जो मेरे युवा बैठे हैं, एनएसयूआई के तमाम साथी, यूथ कांग्रेस के तमाम साथी, मैं आप सबको सलाम करता हूँ। तमाम ऐसे बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे, मैं जानता हूँ कि बुंदेलखंड उपजाऊ सरजमीन है, लेकिन ये भी सच है कि संगठनात्मक स्तर पर हमारे पास यहाँ कुछ नहीं रहा है। लेकिन जो भी लोग हैं मंच से लेकर के नीचे तक, मैं यहाँ से जाऊंगा तो मैं प्रियंका गांधी जी से मिलूंगा, मैं यहाँ से जाऊंगा तो मैं राहुल जी से मिलूंगा, और उनसे मैं बताऊंगा कि मैं ऐसे भी चेहरों से मिल के आया हूँ जो पिछले 23 साल से, जो पिछले 20 साल से, जो पिछले 15 साल से कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाए हुए हैं। ये सच है कि उन्हें बदले में कुछ नहीं मिला है। उन्होंने अपनी जेब से पैसे खर्च किए हैं, उन्होंने अपना समय खर्च किया है, उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ है, ये सच बात है। लेकिन वही कार्यकर्ता हमारी जान है, वही कार्यकर्ता हमारी पार्टी की रीढ़ है। आप नीचे बैठे हैं, आप धूप में बैठे हैं, यहाँ हम मंच पर आपसे 3 फीट 4 फीट ऊपर बैठे हुए हैं, तो आप ये मत समझिएगा कि हम ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। मैं आपको ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ, क्योंकि आप हैं तो हमारा वजूद है, अगर आप ना हो तो हमारा वजूद ना हो। और कांग्रेस के सिपाहियों, कांग्रेस के पदाधिकारियों, मैं आपकी जीवटता को, आपकी जिजीविषा को, आपके हौसले को, आपकी जुर्रत को, आपकी हिम्मत को सलाम करता हूँ। ये एक ऐसा समय जब तमाम लोगों ने पाले बदल लिए, एक ऐसा समय जब लोगों ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए दूसरे दूसरे दल चुन लिए, ऐसे भी वक्त में कांग्रेस पार्टी के ऐसे ऐसे सिपाही रहे हैं जिन्होंने पिछले 30 साल से अपना झंडा नहीं बदला, अपना दल नहीं बदला, अपना
नहीं बदला, ऐसे लोगों को सलाम करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि स्टेज के लोग एक बार सामने बैठे हुए लोगों के लिए जोरदार ताली बजाए। ये कार्यकर्ता आपकी जान है, अगर ये कार्यकर्ता न हो तो हमारा आपका कोई वजूद नहीं है। और झांसी वालों, झांसी वालों, मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ, मैं आपके जिंदाबाद के नारे सुन रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी के लिए आपका समर्पण सुन रहा हूँ। इन नारों को, इन जोश को, इस जज्बे को अभी और बढ़ाना है। आज झांसी तक ये आवाज गूंज रही है, कल आपकी इस आवाज को लखनऊ तक जाना है, परसों इस आवाज को दिल्ली तक जाना है, इस आवाज को और बुलंद करना है। क्योंकि हम कांग्रेस के लोग हैं जो आपके बीच में आके कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या दिया। उनके बीच में जा करके कहिए कि 1947 में जब ये देश पंडित नेहरू को मिला था, उस समय इस देश की स्थिति क्या थी। चारों तरफ लहू लहू मंजर था, चारों तरफ भुखमरी थी, गरीबी थी, तमाम पोलियो थे, तमाम तरह की महामारियां थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आपको पोलियो से भी मुक्त कराया, आपको तमाम तरह की बीमारियों से, महामारियों से मुक्त कराया, लेकिन कभी उसका झूठा प्रचार नहीं किया। आज तो स्थिति है कि कोरोना की वैक्सीन भी लग रही है तो उसमें अपना फोटो चिपका करके दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। मैं तो नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं कि अगर वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट पर आपकी फोटो लग सकती है तो जो लोग कोरोना से मारे गए हैं उनके डेथ सर्टिफिकेट पर भी अपनी फोटो मिलती है तो अदृश्य सरस्वती उपजती है। मैं ऐसे शहर में पला बढ़ा हूं, मेरी आंखों ने मां गंगा के जल में लाशें बहती हुई देखी हैं, मेरी आंखों ने वो मंजर देखे हैं। राकेश सचान जी कानपुर से आते हैं, ब्रजलाल खाबरी जी ने भी ये मंजर देखा है कि किस तरह से मां गंगा के पानी में लाशें तैर रही थी और वो लाशें उतरा करके जब किनारे आ जाती थी तो कुत्ते नोचते थे उन लाशों को। ये हाल उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोरोना में आपका किया है। वो तो आप सौभाग्यशाली थे, भगवान का, खुदा का, ईश्वर का शुक्र अदा करिए कि कोरोना ने आपकी जान नहीं ली। वरना अगर कोरोना आप तक आया होता और आप ऑक्सीजन मांगते तो उत्तर प्रदेश की सरकार ऑक्सीजन मांगने पर मुकदमे कर रही थी, इसके अलावा कुछ नहीं कर रही थी। ये काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। वो आपके बीच में आएंगे, आपसे कहेंगे कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में आपस में बंट जाओ ताकि उनकी दुकानदारी चलती रहे। लेकिन झांसी वालों, आपको एक बात समझना है, ये झांसी है, ये झांसे में नहीं आती है, ये झांसी ही रहेगी, झांसे में नहीं आएगी। मैं आपसे ये आग्रह करने आया हूं कि एक बार कांग्रेस के साथ आइए। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने इस देश को 1947 से आज यहां लाके खड़ा किया। क्या पिछले 7 साल से जो हमसे सवाल करते हैं कि 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, मैं उन नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं, अरे नरेंद्र मोदी साहब, 70 साल में कांग्रेस ने वो किया है कि आप पिछले 7 साल से इस देश को बेचने की एक के बाद एक कोशिश कर रहे हैं लेकिन चीजें खत्म नहीं हो रही है। आप बेचते चले जा रहे हैं, आपने रेलवे बेच दिया, आपने हवाई अड्डे बेच दिया, आपने पेट्रोलियम एजेंसियां बेच दी, आपने सब कुछ बेच दिया। एक दिन पार्लियामेंट में खड़े होकर मोदी जी कह रहे थे, बताओ 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, बताओ मुझे 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। बगल में राहुल जी बैठे थे, राहुल जी ने पलट के अपने नेताओं से कहा कि मत बताना, बता दोगे तो जो बताओगे उसको भी बेच देंगे। इनका काम सिर्फ बेचने का है, सिर्फ बेचने का काम कांग्रेस पार्टी की बनाई हुई चीजों का किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और कुछ नहीं किया है। मैं आपसे खड़ा होकर के कह रहा हूं, इस देश को आपके पुरखों ने, आपके दादा ने, आपके वालिदैन ने, आपके काका ने, आपके बाबा ने, जब नेहरू जी के साथ इस देश को लहूलुहान हालत में फिरंगियों से छीना था तो ये देश कहां था और इस देश को हम कहां लेकर के आए, हम कहां लेकर के आए। आप अंदाजा लगाइए कि आज जो ये कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या दिया, कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, जब आप पर वो व्यंग करते हैं, जब आप पर वो तंज करते हैं तो दरअसल वो सिर्फ आप पर तंज नहीं करते हैं, वो अपने पिता, अपने दादा, अपने बाबा, अपने काका की परवरिश पर भी तंज करते हैं। क्योंकि एक समय तो ऐसा था कि इस देश का हर आदमी कांग्रेस का मतदाता था, एक ऐसा समय था कि हर व्यक्ति कांग्रेसी था। तो अगर वो ये कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या दिया तो वो सिर्फ कांग्रेस पे नहीं सवाल उठाते,
वो अपने दादा, अपने काका, अपने बाबा, अपने पिता की परवरिश पर भी सवाल उठाते हैं। अगर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है तो इसका मतलब ये है कि फिर उनके दादा ने भी, उनके बाबा ने भी, उनके काका ने भी, उनके पिताजी ने भी कुछ नहीं किया। जो किया है वो कांग्रेस ने ही किया है। मैं आपसे ये कहने आया हूं कि एक बार कांग्रेस के साथ खड़े होइए। ये एक मुश्किल वक्त है, मैं समझता हूं। आपके बीच में ऐसे ऐसे लोग हैं, आप जब सुबह व्हाट्सएप खोलते हैं तो मुझे पता है कि धर्म की अफीम सुंघाने वाले लोग उस पर एक मैसेज डाले रहते हैं, आप उसको पढ़ के चौंधिया जाते हैं। ये काम आम हिंदू भाइयों के साथ भी हो रहा है, आम मुसलमान भाइयों के साथ भी हो रहा है। ऐसे ऐसे लोग आपके बीच में तैयार हो गए हैं जो चाहते हैं कि दो लाइनें खींच जाए, एक तरफ हिंदू खड़ा हो जाए, एक तरफ मुसलमान खड़ा हो जाए, ताकि उनकी दुकानें चलने लगे। लेकिन मेरे भाई सोचना कि जब रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ तलवार लेकर के निकली थी तो उस समय भी तो साजिशें हुई होंगी हिंदू मुसलमान में बांटने की। तो बताओ क्या किसी खुदा बख्श को अलग कर पाए थे फिरंगी रानी लक्ष्मीबाई से? नहीं अलग कर पाए थे ना। तो आज के दौर में आपको कैसे अलग किया जा सकता है? ये बड़ी प्यार की सरजमीन है, ये मिट्टी बड़ी खूबसूरत मिट्टी है। मैं आपको सलाम करता हूं। मैं बड़ा तारीफ सुना करता था, ये वो झांसी है जहां के लोग बड़े जीवट वाले, बड़ी हिम्मत वाले होते हैं। मैं आज तपती दोपहरी में खड़े अपने नौजवानों को देख रहा हूं तो मैं इस बात को फलीभूत होते हुए देख रहा हूं। मैं आपको सलाम कर रहा हूं और मैं जाकर प्रियंका जी से बताऊंगा कि प्रियंका जी हम ऐसी जमीनों में भी, ऐसी सरजमीनों में भी बीज बो करके आए हैं जिन्हें हम मानते थे कि कांग्रेस के संगठनात्मक स्तर के लिए वो बंजर जमीनें हैं, लेकिन आज हमने बीज बोया है। आने वाले कुछ महीनों में वहां ऐसे सायादार पेड़ निकलेंगे जिनसे फल भी निकलेगा और पूरा देश देखेगा, पूरा देश देखेगा। और योगी आदित्यनाथ जी, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अब प्रियंका जी का कारवां शुरू हो गया है। वो सारे लोग जो आज से 4-5 महीने पहले कांग्रेस को सीरियस नहीं लेते थे, प्रियंका गांधी जी ने क्या किया? सबसे पहली रैली की बनारस में। बनारस का सांसद कौन है? नरेंद्र मोदी जी। प्रियंका जी ने क्या किया? घर में घुस के ललकारा, बनारस में खड़ी हुई, बनारस में घुस के ललकारा। जब उन्हें लखीमपुर जाने से रोका गया तो वो बनारस में रैली करके लाखों की भीड़ इकट्ठी करके प्रियंका गांधी जी ने बताया कि आप हमें रोकोगे, आप हमारे पैर कैद करने की कोशिश करोगे, हम आपके घर में घुस करके आपको ललकारेंगे। उसके बाद जब आगरा में एक वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को थाने में टॉर्चर करके मारा गया, तब प्रियंका जी ने क्या किया? उन्होंने कहा कि नहीं, आप बनारस से नहीं मान रहे हो तो सुनो योगी आदित्यनाथ जी, हम गोरखपुर में रैली करके बताएंगे, आपके घर में रैली करके बताएंगे। और आपको जान के हैरत होगी, मैं कल उन लम्हों का गवाह था जब लाखों की आवाम उमड़ आई थी और पूरा सदन, पूरा मजमा, पूरा पंडाल खड़ा होकर के बस प्रियंका गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद और कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। कांग्रेस के सिपाहियों, ये आपके दिन लौटने के दिन है। तमाम विपक्ष के वो लोग जो आपको संजीदगी से नहीं लेते थे, आज संजीदगी से ले रहे हैं। तमाम ऐसे दल जो ये कहते थे कि नहीं, कांग्रेस का तो कोई वजूद ही नहीं है, हम उन्हें बता रहे हैं कि ये जमीन तब भी निगल लेने पर आमादा थी। पांव जब टूटती शाखों से उतारे हमने, याद करिए 1947 का मंजर, ये जमीन तब भी निगल लेने पर आमादा थी। पांव जब टूटती शाखों से उतारे हमने, उन मकानों को खबर है न मकीनों को खबर, उन दिनों की जो खलाओं में गुजारे हमने, हाथ ढलते गए सांचे में तो थकते कैसे, नक्श के बाद नए नक्श निखारे हमने, कि ये दीवार बुलंद और बुलंद और बुलंद, ये चारों तरफ डैम हो या इस देश में जो भी विकास का काम है, कि ये दीवार बुलंद और बुलंद और बुलंद, दामोदर और जरा और संवारे हमने, आंधियां तोड़ लिया करती थी शम्मों की लवे, जड़ दिए इसलिए बिजली के सितारे हमने। आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात ना फुटपाथ पे नींद आएगी, सब उठे, मैं भी उठूं, तुम भी उठो, तुम भी उठो, कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी। झांसी के साथियों, थोड़ी और हिम्मत जुटाइए, थोड़ा और तैयार होइए, आज यहां से निकल
निकलिए तो ये प्रतिज्ञा करके निकलिए। प्रियंका जी ने जो प्रतिज्ञा यात्रा की है उस प्रतिज्ञा में एक प्रतिज्ञा आपको भी लेनी है, और सबसे ज्यादा तो मेरी माओ बहनों को प्रतिज्ञा लेनी है कि आपके लिए प्रियंका गांधी जी सबसे ज्यादा लड़ रही है। वो ये कह रही है 40% टिकट आपका, अब तक जितनी घोषणाएं हुई है सारी आपके लिए। मैं तो एक दिन बैठा हुआ था दीदी से, मैंने कहा दीदी ये बताइए सब महिलाओं के लिए, हमारे लिए क्या? तो उन्होंने कहा 60% आप लोगों के लिए बच रहा है, अभी मैं 40 दे रही हूं, आने वाले दिनों में मैं 50% महिलाओं को दूंगी। ये उनका जज्बा है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि तैयार रहिए, यहां से निकलिए तो एक एक महिला, एक एक बेटी, एक एक बहन को प्रियंका गांधी बनना पड़ेगा। आपको जाके अपने इलाके में ये ऐलान करना पड़ेगा कि मैं भी प्रियंका गांधी हूं, मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। ये तो उनका एक नारा है, आपको उस नारे को अपने इलाके में जाके दोहराना पड़ेगा। आपको ये कहना पड़ेगा कि बनकर दुर्गा महिषासुर के सीने पर चढ़ सकती हूं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। ये नारे आपको भी लगाने पड़ेंगे। आपने अगर ये कर दिया तो आने वाला दिन कांग्रेस का है, अगर आपने ये कर दिया तो मैंने प्रियंका जी से बातचीत में उनकी बात में उनका दर्द महसूस किया है। उन्होंने मुझसे कहा था कि इमरान जिस दिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी सबसे पिछड़ा कोई इलाका है तो वो बुंदेलखंड है, मेरा सबसे जो पहला फोकस होगा वो बुंदेलखंड पर होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, पूर्वांचल हो, अवध का इलाका हो, ये चूंकि राजधानी के करीब रहे, लखनऊ के करीब रहे, दिल्ली के करीब रहे, इसलिए हमेशा सुविधाओं के नाम पे जो भी मिला वो इसी इलाके को मिला, लेकिन बुंदेलखंड हमेशा उपेक्षित रह गया। अगर मैं सत्ता में आई, अगर कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो मैं बुंदेलखंड को बुलंद कर दूंगी, उसकी तकदीर को बदल दूंगी, ये मैं वादा कर रही हूं। मैं आपके बीच में यही संदेश लेकर के आया हूं। मैं शायर हूं, मुझे आप जानते हैं, पहचानते हैं, आपने देखा है कि मैंने आपका दर्द पूरी दुनिया में उठाया है। यहां तमाम बुजुर्ग बैठे हैं जिन्होंने मेरी नजीब की नज़्म सुन करके मेरे आंसुओं में अपने आंसू मिलाए होंगे। यहां तमाम ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने मेरी पहलू पर नज़्म सुन करके मेरे आंसुओं के साथ अपने आंसू मिलाए होंगे। यहां तमाम ऐसे बुजुर्ग बैठे हैं जिन्होंने मुसल्लों पे बैठ के मेरे लिए दुआएं की होंगी। मैं शायर हूं, लेकिन मैं शायर होने के बाद मैंने राजनीति का रुख क्यों किया? लोग मुझसे सवाल करते हैं, इमरान आपको तो पहले से शोहरत थी, आपको तो सुनने के लिए हजारों हजार लोग मुशायरों में, कवि सम्मेलनों में आते थे, आप राजनीति में कैसे आ गए? तब मैं उनसे एक बात कहता हूं कि 2017 में मेरी पहली बार जब राहुल गांधी जी से मुलाकात हुई तो 2-3 मुलाकातों के बाद, लंबी बैठकों के बाद उन्होंने मुझसे एक दिन एक बात कही। उन्होंने कहा, इमरान मंचों से मुद्दों पर शायरी करते हो, समाज का दर्द गाते हो, समाज के सरोकारों पर अपनी बात रखते हो, ये बताओ इन मुद्दों का हल चाहते हो या नहीं चाहते हो? मैंने कहा, मैं इसीलिए तो इस पे नज्म कह रहा हूं क्योंकि ये मुद्दे हैं। मैं तो दुआ करता हूं ये मुद्दे खत्म हो जाएं, मुझे अपने आंसू जाया न करने पड़े। तो उन्होंने कहा, अगर चाहते हो समाज बदले, अगर चाहते हो कि देश बदले, तो घर मत बैठो, राजनीति में आओ, राजनीति का हिस्सा बनो, राजनीति को अच्छे लोगों की जरूरत है। मैं चाहता तो उत्तर प्रदेश का कोई क्षेत्रीय दल चुन सकता था, यहाँ के राजनीतिक लोग इस बात के लिए गवाह है, सांसद विधायक बनना आसान था, सरकार बनती तो मेरे सामने ऐसे ऑफर थे कि इमरान साहब जो पोर्टफोलियो लेना है ले लेना, राज्यसभा ले लेना। मैंने उनसे कहा कि नहीं, मेरा मकसद सांसद या विधायक या मंत्री बनना नहीं है, मेरा मकसद आने वाले दिनों में इस देश के लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, वो संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमें सौंप करके गए हैं, जिसकी बुनियाद पर आज आम से आम आदमी भी, गरीब से गरीब आदमी भी, आखिरी पंक्ति में बैठा हुआ आदमी भी सवाल कर सकता है, और वो कह सकता है कि इस देश में जितने अधिकार किसी बड़े से बड़े नेता के हैं उतने ही अधिकार किसी आम आदमी के भी हैं। ये ताकत कौन देता है? इस देश का संविधान देता है, इस देश का लोकतंत्र देता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती है। वो क्या कर रही है? वो संविधान को कुचलना चाहती है। मेरे भाई, वो चाहते हैं कि गरीब और गरीब हो जाए, अमीर और अमीर हो जाए, अडानी और अंबानी और अमीर हो जाए। नोटबंदी याद है ना,
नोटबंदी याद है, आपने अपने पल्लू में पति से चुरा करके, बच्चों से चुरा करके, बच्चों से बचा करके जो पैसे जोड़े थे, उसमें 100 की नोट थी, 500 की नोट थी, जो पैसे जोड़े थे, एक दिन ऐसा आया कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो नोट सब रद्दी हैं, जाइए अगर बदलवा सकिए तो बदल लीजिए, वरना उनकी कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। आपको कितने कितने दिन लाइनों में खड़ा होना पड़ा था अपने ही पैसे बदलने के लिए, वो पैसे जो आपके मेहनत की कमाई से थे। कुछ बदलाव आया? नहीं आया। आज हालत ये हुई कि जब आज उन्होंने कॉमर्शियल गैस का सिलेंडर 2000 किया तो मुझे ऐसा लगा कि 2000 नोट इसीलिए बनाई गई ताकि भविष्य में वो एक नोट दे करके एक गैस सिलेंडर लेने के काम आए। आज 2000 नोट की कीमत एक गैस सिलेंडर के बराबर हो गई है। ये काम किया है नरेंद्र मोदी जी ने। मैं तो नरेंद्र मोदी जी से ये कहना चाहता हूं कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो। देखिए, किसी मातृशक्ति ने मुझे कलम भेंट की है। ये कलम ही सबसे बड़ी ताकत है और यही वो ताकत है जिसकी बुनियाद पर इन फासिस्ट ताकतों से लड़ाई लड़ी जा सकती है। मैं बहुत आपका आभार प्रकट करता हूं। 2016 में मुझे उत्तर प्रदेश की सरकार ने यश भारती पुरस्कार दिया था, जो इस राज्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है। मैं सबसे कम उम्र में पुरस्कार पाने वाला पहला साहित्यकार था। आज आपने मुझे कलम भेंट की है, मैं यश भारती पुरस्कार से भी बड़ा इस पुरस्कार को मानता हूं। मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूं, मैं इसे सहेज के रखूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि इससे अच्छी अच्छी कविताएं लिख सकूं। कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, यही तो कहा था कि अच्छे दिन लाएंगे हम। ये अच्छे हमें ऐसा करो साहेब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहेब पुराने दिन ही लौटा दो। क्या कहा था? मैं चौकीदार हूं, मेरे हाथ में देश के खजाने की चाबी सौंप दो, मैं देश नहीं लुटने दूंगा, यही नारा था ना नरेंद्र मोदी जी का। आज हालत क्या है देख रहे हैं आप ना, उधर से चीन हमारी सीमाओं पर कब्जा करता जा रहा है, हमारे सैनिकों के साथ बर्बरता कर रहा है, लेकिन गृह मंत्री जी उत्तर प्रदेश की सभा में कहते हैं कि मैं दूरबीन लगा के देखता हूं तब भी मुझे कोई माफिया नहीं नजर आता। वो अलग बात है कि गृह राज्य मंत्री अजय टेनी जी उनके बगल में ही खड़े थे। कल प्रियंका जी ने गोरखपुर में सभा में कहा कि अमित शाह जी दूरबीन हटाइए, पास दिखने वाला चश्मा लगाइए, माफिया तो आपके बगल में ही खड़ा था। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। चौकीदार का नाम लेते ही आप उछल जाते हैं, आपके चेहरे पे अजीब सी मुस्कान आती है, बड़ी व्यंग वाली, क्योंकि आप समझ जाते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूं। कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। चौकीदार के मारे ये भी है बेचारे, इन्हें बिठाया जाए, बड़े उत्साही कार्यकर्ता हैं, ऐसे उत्साही कार्यकर्ता हमारी पार्टी की रीढ़ है। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, कितना झूठ बोला हमारे प्रधानमंत्री जी ने। क्या कहा? मैं चाय बेचता था। आप मुझे बताओ, यहाँ बैठा हुआ कोई व्यक्ति अगर ये कह दे कि नरेंद्र मोदी जी की बनाई हुई चाय उसने पी है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। पी है किसी ने? आज तक पूरे देश में कोई ऐसा आदमी मिला जिसने नरेंद्र मोदी जी की बनाई हुई चाय पी हो? नहीं मिलेगा आपको। कि चाय बेचने वाला
पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। जैसे अडवाणी जी आजकल चुप हो गए हैं, बिल्कुल नहीं बोलते हैं, बिल्कुल शांत उसी तरह बैठे रहिए। आप सारे लोग बहुत देर से इस कार्यक्रम में बैठे हैं, मैं जानता हूं आपने बहुत सारे भाषण सुने हैं, तो आप सारे लोग ऊब भी गए होंगे। मैं जानता हूं कि आप धूप में बैठे हैं, देखिए मुझे भी पसीना आ रहा है और आप भी धूप में बैठे हैं। मैंने शुरू में ही कह दिया कि मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। तो एक बार आप सबसे अनुरोध है कि कांग्रेस की जो प्रतिज्ञाएं हैं, कांग्रेस के जो वादे हैं, प्रियंका गांधी के जो इरादे हैं, उन इरादों के साथ अपने आप को शामिल करिए, उनके साथ अपने आप को जोड़िए और कांग्रेस के साथ आइए। 2022 में कांग्रेस की सरकार बनवाइए। प्रियंका गांधी जी तब आपके बीच में आई है जब कोई बुंदेलखंड का हाल चाल लेने की हिम्मत नहीं कर रहा है। ऐसे समय में भी प्रियंका गांधी जी ने आकर के आपके आंसू पोंछे हैं, और जब उन्होंने आपके आंसू पोंछे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि प्रियंका जी के हाथों को मजबूत करिए। क्योंकि कोई नेता अगर आपकी लड़ाई लड़ रहा है और आप चुप रह गए, आपने साहस नहीं दिखाया किसी डर की वजह से या फिर किन्हीं तमाम और बाकी दलों में जुड़े रहने की वजह से, तो आपका नुकसान होगा। एक बड़ा नेता, एक बड़ी पार्टी जो आपके बीच में आ करके आपके आंसू पोंछना चाहती है, उसके साथ आपको खड़ा होना पड़ेगा। ये देश हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबसे मिलके बनता है। कांग्रेस पार्टी ने, मैं झांसी में खड़ा होकर के बुंदेलखंड के तमाम अकलियत के साथियों से भी ये कहना चाहता हूं कि इससे पहले आप पिछले 30 साल से कभी समाजवादी तो कभी बहुजन समाजवादी पार्टी को वोट देने आ रहे हैं, वोट देते रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके जिस बेहतर की तलाश में आप गए थे, पिछले 30 सालों में आपको वो बेहतर नहीं मिला। अरे वो समाजवादी पार्टी जिसने पिछले 30 साल से आजम खान के नाम पर वोट बटोरने का काम किया मुसलमानों का, आज वही आजम खान जब जेल में है तो उन आजम खान का हाल चाल लेने तक की फुर्सत नहीं है। जो पार्टी आजम खान की नहीं हुई वो आपकी नहीं हो सकती है। इसलिए बुंदेलखंड के साथियों से कह रहा हूं, ये लड़ाई बहुत बड़ी है। इस लड़ाई में लोग आपको हिंदू मुसलमान के सांचे में बांटेंगे, आपको डराएंगे, लेकिन उनसे कह देना के मत समझना, डराने से डर जाएंगे। ये राहुल खड़े हैं, राहुल राय जी, राहुल झारिया जी, दोनों लोग मुझे याद है। राहुल जी उस समय एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे 2008 में, तब मैं विश्वविद्यालय में पढ़ता था, तो इन लोगों ने एक वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की थी, तो मैं बताओ छात्र उसमें भाग लेने के लिए आया था। प्रदेश स्तर की प्रतियोगिता थी, 11,000 रुपए का पुरस्कार था और मैं उसका विजेता था, तो मुझे 11,000 रुपए पुरस्कार मिले थे उस समय। तो इन लोगों से मेरा उस समय का संबंध है, एनएसयूआई के साथियों से उस समय का संबंध है। इसीलिए मैं लोगों से कहता हूं कि मुझे देश के साथ खड़ा होना है, मैं इसलिए कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ हूं। मेरा फर्ज बनता है कि इस देश को वो ताकतें जो बांटना चाहती हैं, हम उनके आगे अपना सीना खोल के खड़े हो जाएंगे और लोगों से ये कहेंगे, ऐसी सरकारों से ये कहेंगे, ऐसी तानाशाह सरकारों से ये कहेंगे कि मत समझना, डराने से डर जाएंगे। एक मुख्यमंत्री जिस भाषा में उत्तर प्रदेश की आवाम से खिताब करता है, वो भाषा एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति की नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मत समझना, डराने से डर जाएंगे। अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मत समझना, डराने से डर जाएंगे। अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, और हम कांग्रेसी हैं, हमें
मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, मत समझना कराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, के हिंद के नौजवानों के दुश्मन हो तुम। आपने लखनऊ में जाके जब रोजगार मांगा तो बदले में आपकी पीठ पर लाठियां मिली, नौकरी नहीं मिली, यही हुआ है पिछले 4.5 साल में, के हिंद के नौजवानों के दुश्मन हो तुम, आरती और अजानों के दुश्मन हो तुम, आरती और अजानों के दुश्मन हो तुम, पहले तो हिंदू मुस्लिम के दुश्मन थे पर आजकल तो किसानों के दुश्मन हो तुम, के अन्नदाता से उलझे हैं इस बार ये, तैयार रहना अगर आपकी हिम्मत की लाइन हो तो मुझे सुन के बताना, के अन्नदाता से उलझे हैं इस बार ये, मोदिया शाह सब सुधर जाएंगे, डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जो ये कहते हैं कांग्रेस ने 70 साल में क्या दिया, इमरान की ये पंक्तियां लेकर के जाना, और अब कोई कहे कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या दिया तो उनसे कह देना कि हमने जमजम दिया, आप गंगा दिया, भाजपा डरती है कि एक मंच पर पटेल साहब बैठे हो, खाबरी साहब बैठे हो, प्रदीप जैन आदित्य बैठे हो, इमरान बैठे हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी सारे लोग महाराज बैठे हो, एक साथ जब वो एकजुटता को देखते हैं ना, एक साथ जब वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को प्रेम की बातें करते देखते हैं ना, तो सबसे ज्यादा इस चीज से डरते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि समाज शांत रहे, समाज शांत रहेगा तब आगे बढ़ेगा, समाज में प्रेम रहेगा तब देश आगे बढ़ेगा, नफरत से दुनिया का कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता है, इस बात को इस धर्म की राजनीति करने वाले लोगों को समझना पड़ेगा। आप कहते हो कांग्रेस ने क्या दिया है, इमरान बताता है कांग्रेस ने क्या दिया है, कि हमने जमजम दिया, आपे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। ये लहराता हुआ कांग्रेस पार्टी का झंडा आप सारे लोग देख रहे हैं, यहां से वहां तक जो लोग बड़े शांत होकर बैठे हैं, आप कांग्रेसी हैं, सच्चे कांग्रेसी हैं तो तैयार रहिएगा, आपके रगों में जो लहू है उसमें उबाल आए तो मुझे बताना कि इमरान सच बोल रहा था, कि हमने जमजम दिया, आपे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, बदन पर लपेटे हुए, एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। ऐसा भी होगा आदित्य भाई, प्रदीप जैन जी, बृजलाल भाई के 2-4 लोग छोड़ के बीच में चले जाएंगे, ऐसा कई होगा कि इस रास्ते में आपकी तरफ से भी कुछ लोग छोटे छोटे
वायदों के लिए इधर से उधर चले जाएंगे, उन्हें जाने दीजिएगा। मीडिया के साथियों ने पिछले दिनों मुझसे सवाल किया कि उधर सिंधिया जी चले गए, उधर जतिन प्रसाद चले गए, आप क्या कह रहे हैं? हमने कहा रहे उनके पिता को कांग्रेस ने मिनिस्टर बनाया, केंद्रीय मंत्री बनाया, उनको बनाया, जब वो घुटनों के बल उंगली पकड़ करके उन्हें चलना सिखाया, आज अगर वो छोड़ के चले गए तो सवाल हमसे मत पूछो, क्योंकि बेटा अगर बाप को छोड़ के चला जाए तो सवाल बाप से नहीं बल्कि बेटे से पूछो। कि एक मुश्किल वक्त में वो परिवार छोड़ के क्यों चला गया थोड़े से फायदे के, और जो चाह रहे उन्हें जाने दो। कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुजदिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं। अरे रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते हैं। यात्राएं चलेंगी, प्रतिज्ञाएं करेंगे, एक नई कांग्रेस खड़ी करेंगे उत्तर प्रदेश में 2022 में। आने वाले दिनों में बिना कांग्रेस पार्टी की कोई सरकार नहीं बनेगी, ये वादा है और ये दावा भी है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।